ओके सो अभी हम शूट करने जा रहे हैं कैमरा रिव्यू। इस तरफ है वन प्लस का नॉर्ड सी 5G और इस तरफ है IQ का Z3 5G स्मार्टफोन। दोनों में आपको फ्रंट में 16 MP कैमरा मिलता है जो अभी क्वालिटी वो इस साइड से आ रही है, जो आवाज़ है आपको IQ Z3 से मिल रही है। और अभी हम स्विच करते हैं वन प्लस की तरफ। तो अभी हम वन प्लस में स्विच हो चुके हैं, जो वीडियो क्वालिटी आप वन प्लस से देख रहे हैं और जो ऑडियो वो डायरेक्टली वन प्लस से आ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वालिटी कैसी निकल के, और बाकी का पूरा रिव्यू आप देखिए, आपको और भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी इन्हीं दोनों के कैमरा कंपैरिजन। ओके सो हियर इज द IQ Z3 5G एंड दिस इज द OnePlus Nord CE 5G। इन दिस वीडियो हम यहाँ पर दोनों का एक कैमरा कंपैरिजन करने वाले, एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन होगा, यानी कि फोटो से लेकर वीडियो तक मैं आपको डिटेल में सारी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिलहाल अगर हम बात करते हैं इन्हीं दोनों के कैमरा स्पेक्स के बारे में, तो बोथ हैव सेम कैमरा स्पेक्स। 64:8+2 का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है बैक में, और फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिलता है। सो गाइस अभी हमने स्विच कर लिया है, यहाँ पर जो वीडियो फ्रेम है वो फुल HD 60 FPS पर शूट हो रही है दोनों में, और मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। एक तरफ IQ का Z3 है, दूसरी तरफ है वन प्लस का नॉर्ड सी स्मार्टफोन। और यहाँ पर मैं ये धूप के साइड में है यार, यहाँ पर अगर हम धूप की तरफ लेके जाते हैं कैमरा को, तो आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग किस में ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर जैसा कि अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो जो वन प्लस का सी स्मार्टफोन है उसमें आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी अच्छे से कवर है, प्लस वगैरह इसमें काफ़ी वाइब्रेंट मिल रहे हैं। वहीं पर IQ Z3 की बात करें तो वो आपको नेचुरल कलर दे रहा है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर 4K में स्विच हो चुका है, और यहाँ पर हम सीधे सीधे चल रहे हैं, और 4K में जो IQ Z3 वहाँ पर EIS डिसेबल हो चुका है। वहीं अगर बात करें वन प्लस की, तो वन प्लस में EIS अभी भी इनेबल है, और जो फुटेज है वन प्लस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रही है, और जो IQ Z3 उसमें फुटेज इतनी स्टेबल नहीं आ पा रही है। अभी हम यहाँ पर फ्रंट कैमरा पर स्विच हो चुके हैं, और इस तरफ है वन प्लस का नॉर्ड सी 5G स्मार्टफोन, और इस तरफ है हमारे पास IQ का Z3। जो साउंड है मैं दोनों से कवर कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो डिटेलिंग आप देख पाएंगे कैसी लग रही है। बैकग्राउंड की अगर बात करें, कलर्स की बात करें, तो कलर्स वन प्लस में काफ़ी सेचुरेटेड कलर मिल रहे हैं, वहीं IQ Z3 के फ्रंट कैमरा से आपको नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है। अगर हम सन के अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, तो वन प्लस काफ़ी अच्छे से ये चीज़ मैनेज कर रहा है, और जो IQ वहाँ पर आपको एक हल्की सी डार्कर टोन देखने को मिल रही है। तो अगेंस्ट सन ये ऐसी कुछ फुटेज निकाल लो, बाकी अगर सन के साइड में बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी फुटेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये जो इमेज इसके मेन कैमरा सेंसर से ली गई है, नॉर्मल मोड में ली गई है, और डिटेलिंग दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग मिलती है। और अगर बात करते हैं कलर्स की, तो जो नॉर्ड सी 5G है वहाँ पर हमको नेचुरल कलर्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर IQ Z3 की बात करें, तो वहाँ पर हमको जो कलर है वो थोड़ा सा ओवर सेचुरेटेड देखने को मिलता है। जो IQ Z3 वहाँ पर आपको जो स्काई है वो हल्का सा स्काई ब्लू टाइप में मिलता है। वहीं अगर नॉर्ड सी की बात करें, तो वहाँ पर आपको रियल कलर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, पर दोनों ही फोटोज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वहीं अगर बात करते हैं वन प्लस नॉट के फोटोज़ की, तो वहाँ पर आपको एक डार्क टोन देखने को मिलती है। वहीं अगर IQ Z3 की बात करें, तो वहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए गए, जो डिटेलिंग है उसको भी मेंटेन किया गया है। एंड अगर बात करते हैं डार्क एरिया की, वहाँ पर हमको जो ट्रीज हैं वो थोड़े से डार्क मिलते हैं, और अगर बात करते हैं IQ Z3 की, तो जो ट्री है वहाँ पर हमको ग्रीनरी देखने को मिलती है। सेकंड इमेज की बात करें, तो यहाँ पर इन पेड़ों पर धूप पड़ रही है, और वहीं अगर बात करते हैं डिटेलिंग की, तो डेफिनेटली डिटेलिंग एंड जो कलर्स वगैरह हैं हमको IQ Z3 में वन प्लस नॉट से ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि अगर आप आउटर शूट करते हैं इसके बैक कैमरा से, तो जो क्वालिटी है आपको IQ Z3 में काफ़ी अच्छी मिलेगी, कलर्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हाँ, थोड़े से ओवर सेचुरेटेड कलर रहते हैं, बट यहाँ पर जो आपको टोटल इमेज मिलती है, तो वो मुझे IQ की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने टेम्पल की फोटोज़ को क्लिक किया हुआ है, ये एक नॉर्मल फोटो है, मैंने IQ के Z3 और यहाँ पर नॉर्ड के सी दोनों से ही क्लिक किया हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्ड के सी, तो नॉर्ड में आपको एक हल्की सी ब्लैक टोन देखने को मिलती है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो येलो कलर है वो थोड़ा सा डल लग रहा है। वहीं अगर IQ Z3 की बात करें, तो जो येलो कलर वो काफ़ी ज़्यादा खिला हुआ लग रहा है। यहाँ पर अगर हम कलर्स वगैरह की बात करते हैं, तो डेफिनेटली मैं फिर IQ Z3 की तरफ जाना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पर नॉर्ड सी में आपको हल्की सी एक ब्लू टोन मिलती है, और IQ Z3 जो है वो आपको काफ़ी एक नेचुरल कलर्स यहाँ पर निकाल के देता है। एंड अगर आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, तो यहाँ पर जो ब्राइट एरिया वहाँ पर एक दीवार है, तो जो IQ Z3 है वहाँ पर आपको दीवार क्लियरली दिख रही है। वहीं अगर बात करते हैं नॉट सी 5G की, तो वहाँ पर जो दीवार का एरिया वो वॉश आउट हो चुका है, और बाकी अगर बात करते हैं इंटरनल एरिया की, लाइक जो शेडो वाला पार्ट है, तो यहाँ पर जो क्लियरिटी वो आपको IQ Z3 में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। डेफिनेटली मुझे जो अल्ट्रा वाइड शॉट्स है वो मुझे IQ Z3 के काफ़ी बेटर लगे। बाकी अगर बात करते हैं फ्रंट के सेल्फी की, यहाँ पर जो नॉर्ड सी है उसमें जो वाइट कलर है, जो कि मैंने वाइट कलर की
टी शर्ट पहनी है उसको एक हल्की सी डार्क टोन में ला दिया। वहीं अगर IQ Z3 की बात करें तो वहां पर जो मेरी व्हाइट शर्ट है उसको इसने व्हाइट ही रखा है, कोई भी ज्यादा ओवर एक्सपोज कलर को नहीं किया है। यहाँ पर अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो OnePlus Nord ने काफी अच्छे से कवर अप किया हुआ है, IQ Z3 वहां पर थोड़ा सा फेल होता नजर आया। तो यहाँ पर जो सेल्फी के मामले में मुझे Nord काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी यहाँ पर हमने नाइट मोड में कुछ फोटोज को क्लिक किया हुआ है, कोई भी डाउट ऐसा नहीं लगा, दोनों के नाइट मोड काफी अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर नाइट मोड पोर्ट्रेट की बात करें तो ये यहाँ पर नाइट मोड पोर्ट्रेट लिया गया, तो जो IQ का Z3 पोर्ट्रेट है वो काफी अमेजिंग निकल के आया है। वहां पर उसने जो कलर है उसको काफी मेंटेन रखा हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं Nord के पोर्ट्रेट मोड की तो वहां पर आप नीचे की तरफ देख पाएंगे जो एरिया है वो हल्का सा ब्लूइश टिंट टाइप में आ रहा है। सो गाइस ये था एक फोटो कंपैरिजन इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बैक एंड फ्रंट कैमरे का। अगर पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करें तो IQ काफी जल्दी प्रोसेस कर देता है फोटोज को, और जो OnePlus है वहां पर आपको प्रोसेसिंग थोड़ी सी टाइम लगती है। जैसा कि मैंने OnePlus की जो वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था, यहाँ पर 4 सेकंड आपको लग जाते हैं फोटोज को क्लिक करने के लिए, बट एटलीस्ट जो हमको पिक्चर्स मिलती है वो काफी सही मिलती है दोनों में। वहीं अगर बात करते हैं OnePlus की तो वहां पर आपको हल्की सी डार्कर टोन देखने को मिलती है जो फोटोज में HDR को मेंटेन करती है, और अगर IQ की बात करते हैं तो वहां पर जो पिक्चर आपको ब्राइट मिलती है, अगर आप नाइट में भी पिक्चर को क्लिक करेंगे तो आपकी जो फोटोज हैं वो थोड़ी सी ब्राइट मिलेगी। बट अगर ओवरऑल फोटोज एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही काफी कमाल फोटोज को क्लिक करते हैं। आप दोनों में से बैक कैमरे के लिए किसी को भी चूज कर सकते हैं। वहीं अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरे में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो OnePlus है वो क्लियर विनर आ जाता है, बिकॉज IQ में जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर डिटेलिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको IQ में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग मिलती है, OnePlus के Nord में आपको इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं मिलती, बट जो कलर्स हैं वो आपको काफ़ी सही मिलते हैं। बट ये यहाँ पर कहीं कहीं पर होता है, बट ऑल दो काफ़ी सारी कंडीशन में जो दोनों ही फ़ोन हैं काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं फ्रंट कैमरे से। सो अब यहाँ पर अपने लास्ट पॉइंट पर आता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो आपको IQ Z3 लेना चाहिए या फिर OnePlus Nord CE 5G लेना चाहिए, डाउट यहाँ पर ये आता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बजट है ये भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर। IQ Z3 आपको 17,500 रुपये का पड़ जाता है अगर आप ऑफर वगैरह लगा लेते हैं। मैं अगर इस फ़ोन की बात करते हैं तो ये मैंने 25,000 रुपये में मंगाया था, और अगर यहाँ पर आप इसका बेस वेरिएंट मंगाएंगे तो अभी ये अवेलेबल भी नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्राइस डिफरेंस आपको लगभग 7,000 रुपये का पड़ जाता है। सो अब यहाँ पर अगर उस प्राइस रेंज को देख कर अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊँ तो डेफिनेटली आप IQ की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इतनी कम रेंज में आपको IQ काफी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस दे रहा है जो कि OnePlus को बीट कर रहा है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप इन दोनों में से कोई भी फोन परचेस कर सकते हैं, सो डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। OnePlus का जो कैमरा वो IQ से थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। सो ये थे मेरे ओपिनियन इसी कैमरा कंपैरिजन के बारे में। आई नो वीडियोस काफी लेट आ रही है ये वाली, सो स्टे ट्यून फॉर डेट, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वीडियोस देखने को मिले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज काफ़ी सारी मेहनत लगती है ऐसी कंपैरिजन वीडियोस को बनाने में, लगभग पूरा दिन लग गया मुझे इस वीडियो को एडिट करने के लिए। तो आप एक लाइक करके हमारी इस मेहनत को सफल बना सकते हैं। दैट्स इज फॉर दिस वीडियो एंड गाइस आई एम मेड इन द नेक्स्ट वन।